दोस्तों आज की वीडियो में बात कर रहा हूं मैं एसटीपी प्लांट के बारे में, जो होटल इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं, जिसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं। दोस्तों एसटीपी प्लांट के कुछ टाइप्स होते हैं जिनको मैं वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल मैं एमबीबीआर की बात कर रहा हूं, जो एसटीपी प्लांट का एक टाइप्स है जिसको होटल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसको मूविंग बेड बायोरिएक्टर बोलते हैं, या फिर हम मिक्स्ड बेड बायोरिएक्टर भी बोल सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल की। वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना, आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। दोस्तों जो इंडस्ट्री से हमारा वेस्ट वाटर आ रहा है, इसको हम एक जगह पर लेके आते हैं जहां हमने अपना एसटीपी प्लांट लगा के रखा है। जो इंडस्ट्री में वेस्ट वाटर का पाइप है वो हमारे सबसे पहले आता है स्क्रीन चैम्बर में, जिसको हम बार स्क्रीन में बोल सकते हैं। जैसा आप अपनी डिस्प्ले पे देख रहे हैं, इसमें स्क्रीन मतलब कि एक पतली पतली पत्तियों की जाली बनी होती है, जिसमें आपका जितना भी बड़ा बड़ा वेस्ट होगा वो फंस जाएगा। जो स्क्रीन चैम्बर है हमारा, ये थोड़ा हाइट पे होता है। इससे जो पानी निकलता है वो ऑयल एंड ग्रीस टैंक में गिरता है, जैसा कि आप अपनी डिस्प्ले पे देख सकते हैं। जब भी पानी गिरता है तो उसमें से झाग निकलता है या बुलबुले उठते हैं, वो ऑयल और ग्रीस होता है जो कि आपका पानी के ऊपर जम जाता है एक परत के रूप में, क्योंकि पानी से हल्का होता है ऑयल। जब भी आपने देखा होगा कि पानी में अगर हम कोई तेल की बूंद डालते हैं तो वो पानी पे तैरने लगती है, वही प्रोसेस यहाँ पे है। ये ऑयल ऊपर जम जाता है और इसमें हमने दो पार्टीशन बना के रखे होते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत स्लज और थोड़ा बहुत ग्रीस पानी में घुला होता है, वो एक टी के जरिए दूसरे वाले पार्टीशन में चला जाता है, वहां जम जाता है। और इससे जो पानी ओवरफ्लो होता है वो कलेक्शन टैंक में जाता है, जिसको कलेक्शन आप समझ ही सकते हैं नाम से, कि वहां हम पानी को इकट्ठा करते हैं। जितना भी हमारी इंडस्ट्री का कंजप्शन होता है, मान लीजिए हमारा एक दिन का कंजप्शन 1 लाख लीटर है, तो हम इसको मैक्सिमम लगभग 2 लाख लीटर का कलेक्शन टैंक बना के रखेंगे। कलेक्शन टैंक में दोस्तों हम दो मोटर लगा करके रखते हैं, जो बारी बारी से चलाते हैं हम, कि एक मोटर के ऊपर लोड ना पड़े। कलेक्शन टैंक से पानी उठा करके हम एयरसन टैंक में देते हैं, जिसमें मीडिया पड़ी होती है। जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, एयरसन टैंक, एयरसन टैंक में हम ब्लोअर से एयर देते हैं बैक्टीरिया को जिंदा रखने के लिए। और एयरसन टैंक में बैक्टीरिया को पैदा किया जाता है, बायोकल्चर केमिकल डालते हैं, उनको खाने के लिए यूरिया डाला जाता है, और जो हम मिठाई यूज करते हैं घर में जिसको गुड़ कहते हैं, वो गुड़ भी डाला जाता है। इनकी एक मात्रा होती है, वो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज में बताऊंगा मैं कंप्लीटली। फिलहाल दोस्तों हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, तो वही समझ लेते हैं आज। अब दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम एयरसन टैंक में मीडिया क्यों डालते हैं। मीडिया एक प्लास्टिक के ढक्कन की तरह होती है, जो हम अपने कोल्ड ड्रिंक यूज करते हैं उस पर जो प्लास्टिक का ढक्कन लगा होता है, इस टाइप की मीडिया होती है, जिसमें छोटे छोटे खाने बने होते हैं जो हम बैक्टीरिया को खाने के लिए उसमें पदार्थ डालते हैं, जैसे यूरिया हो गया, मिठाई हो गई। तो ये पदार्थ इस मीडिया में फंस जाते हैं, जो एक प्लास्टिक के ढक्कन की तरह होती है, और इसमें आसानी से बैक्टीरिया इसको खा सकते हैं जो हम यूरिया डाल रहे हैं उनको खाने के लिए। दूसरा काम मीडिया का होता है कि जो पानी सर्कुलेट होता है उसको अच्छे से सर्कुलेट करा देती है मीडिया। जैसे मान लीजिए हम एक ग्लास में चीनी डाल के विदाउट चम्मच के उसको घोलने की कोशिश करेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, और उसी गिलास की चीनी को अगर हम चम्मच से घोलते हैं तो वो चीनी थोड़ा जल्दी घुल जाएगी। ऐसे करके मीडिया काम करता है। अब दोस्तों इस एयरसन टैंक में एक लिमिट होती है कि पानी को इतनी देर तक रोका जाएगा। मान लीजिए अगर मेरी लिमिट है कि मैं 10,000 लीटर पानी को 2 घंटे के लिए एयरसन टैंक में रोकूंगा, तो फिर जो मेरा पीछे कलेक्शन टैंक है वहां से मैं मोटर ऑन करूंगा और 10,000 लीटर पानी दोबारा से मैं एयरसन टैंक में दूंगा। अब जो पुराना वाला मेरा पानी है वो ओवरफ्लो होकर के और वो जाएगा दोस्तों ट्यूब सेटलर टैंक में। अब आपके मन में दोस्तों एक सवाल आ रहा होगा कि जो हम कलेक्शन टैंक से पानी उठा करके एयरसन टैंक में डाल रहे हैं, क्या वो पानी ओवरफ्लो नहीं हो सकता। दोस्तों जो कलेक्शन टैंक का पानी है उसके साथ स्लज भी घुला हुआ है, तो वो पानी भारी है। भारी होने की वजह से एयरसन टैंक में ये नीचे बैठ जाएगा, और जो एयरसन टैंक का हल्का पानी है वो ओवरफ्लो होकर के ट्यूब सेटलर टैंक में जाएगा। जब दोस्तों हम कलेक्शन टैंक की मोटर ऑन करते हैं उस टाइम अपने ब्लोअर को बंद कर देते हैं, जितनी देर के लिए हमारी कलेक्शन टैंक से पानी इधर आएगा एयरसन टैंक में, इतनी देर ब्लोअर को बंद रखेंगे, क्योंकि ब्लोअर से पानी सर्कुलेट ना हो, हल्का पानी है वही ओवरफ्लो हो। अब जो पानी हमारा ट्यूब सेटलर टैंक में गया है, ट्यूब सेटलर टैंक को एक वी शेप में बनाया जाता है, जैसा आप अपने डिस्प्ले में देख सकते हैं,
और जो BCF का है इसमें फिंस लगी होती है, पानी ओवरफ्लो की फिंस पे गिरता है दोस्तों, फिंस से नीचे हमारा स्लज बैठ जाता है और जो पानी है ट्यूब सेटलर टैंक में, ये पानी ओवरफ्लो करके हमारे दूसरे टैंक में जाता है। ट्यूब सेटलर टैंक में एक जाली लगी होती है, जाली से पानी ओवरफ्लो करके और क्लियर वाटर टैंक में जाता है जिसमें पानी इकट्ठा होता है। और जो हमारा ट्यूब सेटलर टैंक में नीचे स्लज जमी हुई है इसको एक कटर पंप से उठा करके, कटर पंप बोले तो इसका इम्पेलर थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है क्योंकि स्लज को खींचता है काट काट करके, और ये स्लज होल्डिंग टैंक में देता है जिसमें स्लज को इकट्ठा कर लेते हैं हम। स्लज होल्डिंग टैंक में भी ब्लोअर का कनेक्शन होता है दोस्तों। स्लज होल्डिंग टैंक से हम स्लज को उठा करके फिल्टर प्रेस मशीन में देते हैं, जैसा आप अपने डिस्प्ले में देख सकते हैं। इसमें एक ऑपरेटर इसको दबाता है तो इससे जो भी पानी है वो बाहर निकलता है और इसको मीडिया टैंक में डाल देते हैं, एयरसन टैंक में पानी को, या फिर कलेक्शन टैंक में डालते हैं। जो ट्यूब सेटलर टैंक है यहाँ से पानी ओवरफ्लो होकर के क्लियर वाटर टैंक में आया था। अब यहाँ क्लियर वाटर टैंक में दो मोटर लगा के रखते हैं, अब ये मोटर ऑन करते हैं और ये पानी जाता है हमारा MGF फिल्टर में, जिसको मल्टी ग्रेड फिल्टर बोलते हैं। जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं मल्टी ग्रेड, इसमें 5 टाइप के पत्थर होते हैं। सबसे पहले बड़े पत्थर होंगे, फिर छोटे, ऐसे करके 5 टाइप के पत्थर होते हैं। अब इस फिल्टर से पानी को आउट करके हम ACF फिल्टर में देते हैं, जिसको एक्टिवेट कार्बन फिल्टर बोलते हैं। ACF फिल्टर से पानी आउट होने के बाद एक टैंक में हम स्टोरेज कर लेते हैं, जिसको ट्रीटेड वाटर टैंक बोलते हैं। अब इस पानी को हम ले सकते हैं अपने गार्डन में यूज करने के लिए, पौधों में देने के लिए इस पानी को यूज में ले सकते हैं। अब दोस्तों हम STP के टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा हमने वीडियो में आगे बताया था आपको, STP प्लांट को हम होटल इंडस्ट्री, रेजिडेंशियल साइट, कॉमर्शियल बिल्डिंग में यूज करते हैं। और एक ETP प्रोसेस होता है जिसको हम केमिकल प्लांट्स या फिर हॉस्पिटल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। STP प्रोसेस के जो टाइप्स हैं उनको मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ, जिसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्लांट MBBR और MBR प्लांट है।